Hello everyone, good morning and welcome to Love Bharti Families. So after tenses, our next topic is modals. Modals तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर किसी को लगता है कि जो मॉडल्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा डिफिकल्ट टर्म है. बट दैट इज नॉट ट्रू. इवन वेन आई वॉज इन स्कूल मुझे भी लगता था यार मॉडल्स बहुत हार्ड होंगे, कैसे करूंगी मैं. लेकिन ट्रस्ट में गाइस, अगर आप लोग को एक बार मॉडल समझ में आ गए तो ये बहुत इजी है. तो अब हम बात करते हैं मॉडल्स की. बट बिफोर दैट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, दैट इज MODAL. ये है मॉडल. एंड MODEL वो होता है मॉडल. मॉडल इज कंप्लीटली डिफरेंट टर्म. ऑलराइट, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, टेल्स मूड ऑफ स्पीकर और एटीट्यूड. ठीक है, मॉडल्स हमें बताता है कि जो सामने वाला इंसान है, जो स्पीकर है, उसका क्या मूड है, वो क्या एक्सप्रेशन, उसका वो क्या शो कर रहा है, उसका एटीट्यूड हमें शो करता है. इसका एग्जाम्पल मैं आगे दूंगी, एक बार हम दूसरे टॉप पॉइंट्स में भी नजर डाल लेते हैं. फर्स्ट क्या था हमारे टेल्स मूड ऑफ स्पीकर और एटीट्यूड. सेकेंड पॉइंट, जैसे कि किस टाइप के मूड्स, किस टाइप का एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, ability, permission, probability, advice, obligation, etc. ये सारे हमारे moods हैं. For example, I can do this work. इसमें can हमारा model हो गया. और मैं क्या show कर रही हूँ, ability. मेरी ability है कि मैं ये काम कर सकती हूँ. Alright. For example, हम दूसरा अगर permission पे आते हैं, so आप लोग कैसे पूछ रहे हो, मैम मे आई गो टू वॉशरूम. तो मे आई गो टू वॉशरूम क्यों बोलते हो आप, मे आई गो टू वॉशरूम क्या शो कर रहा है. आप लोग परमिशन ले रहे हो, मुझसे परमिशन ले रहे हो. इसमें मे क्या शो कर रहा है, मे हमारा मॉडल हो गया, एक डिसेंट परमिशन. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. आगे हम आते हैं प्रोबेबिलिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन, ये सारी चीजें हमारी मॉडल्स में आएगी. इन सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, दे नेवर यूज अलोन, फॉलोड, इफ यू कैन सी, फॉलोड बाय द बेस. जो मॉडल्स होते हैं कभी भी उनको हम अकेले यूज नहीं करते हैं. मॉडल्स हमेशा वर्ब्स के साथ आएंगी. बेस, इनका बेस क्या होता है, वर्ब्स, क्रियाएं. देखो मॉडल्स अभी मैं पढ़ा रही हूँ, मॉडल्स के बाद एक मैं छोटा सा टॉपिक लेके आऊंगी. वर्ब्स के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस टाइप की, कितने टाइप की वर्ब्स होती है और हम वर्ब्स कैसे लर्न करेंगे. ऑलराइट, उससे पहले हम जो वर्ब्स है, मॉडल्स आर सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो दे नेवर यूज अलोन, फॉलोड बाय द बेस. कैन, कुड, विल, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, शैल, शुड, आउट टू, ये सारे हमारे मॉडल्स होते हैं. इनको हम कभी भी अकेले यूज नहीं करते हैं, इनके साथ एक वर्ब, कोई वर्ब लगेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, तुम्हें स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए. तो यू शुड स्टॉप, अगर मैं सिर्फ यू शुड स्टॉप बोलूंगी तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. ऑलराइट, क्या स्टॉप करूं, मैंने लगाया स्मोकिंग, वर्ब मैंने लगा दी है स्मोकिंग. तो ये जो स्मोकिंग है वो हमारा बेस हो गया किसका, मॉडल्स का. ऑलराइट, सो गाइज मैं थोड़ा साइड में हो जाती हूँ. यू गाइज जस्ट टेक स्क्रीनशॉट्स एंड मेक श्योर आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में लिखिए, क्योंकि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड इजिएस्ट एक्सप्लेनेशन. इन सबको अगर आप कॉपी में लिख लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा समझने में. ऑलराइट, अब हम आते हैं हमारे सबसे फर्स्ट मॉडल्स पे, जो है हमारा मे. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मॉडल्स ही पढ़ाऊंगी. सारे मॉडल्स पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है. जो हमारे डेली रूटीन में यूज होते हैं, मैं उन मॉडल्स के बारे में आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगी. ठीक है, क्योंकि सारे जो मॉडल्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करता है. जो फर्स्ट हमारा मॉडल होगा वो होगा मे. अब हम देखते हैं इसका यूज कहाँ होगा, कैसे होगा. फर्स्ट, परमिशन इन फॉर्मल मैनर. देखो हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं एक फॉर्मल मैनर में. फॉर्मल मैनर में परमिशन मांगना, इसका मतलब क्या होता है, रिस्पेक्ट के साथ हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं. एक तरफ टीचर है, एक तरफ दोस्त है. टीचर से अगर आप कुछ पूछोगे तो आप मे का यूज करोगे,
आप एक फॉर्मल वे में, रिस्पेक्टिव वे में उनसे कुछ पूछोगे, लेकिन एक दोस्त है भाई, दोस्त को कौन इज्जत देता है, कोई नहीं देता। तो उसके लिए हम जो मॉडल यूज करेंगे मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि फिर ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मे का हम यूज लेते हैं परमिशन में इन फॉर्मल मैनर, एक फॉर्मल तरीके से, एक रिस्पेक्टिव तरीके से। सेकेंड हम आता है पॉसिबिलिटी पे, हमें में क्या बताता है, पॉसिबिलिटी टू शो चांसेस, किसी चीज के 50% या 50-50% तक चांसेस होते हैं, वो हमें क्या शो, में हमें वो चीज शो करता है। इट मे रेन टूडे, बारिश का मौसम हो रहा है, ठीक है मैं बोलूंगी इट मे रेन टूडे, आज तो बारिश हो सकती है ठीक है, लेकिन हुई नहीं और हो भी सकती, क्या पता हो भी गई, ठीक है ना। तो ये हमें पॉसिबिलिटी शो करता है, चांसेस की ये चीज हो सकती है और हो गई नहीं हो गई वो फ्यूचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट मे रेन टूडे। थर्ड आ गया विश और ब्लेसिंग्स, किसी को भी अगर हम विश करते हैं, किसी को हम ब्लेसिंग्स देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, तो हम मे का यूज करते हैं। तो देखिए तीन तरीके से मे का यूज होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं हमारे सेकंड मॉडल्स पे। अब हम आते हैं हमारे सेकंड, ओप्स आई एम सॉरी, सेकंड मॉडल्स पे जो कि है हमारा कैन, ठीक है ठीक है। तो कैन को हम कैसे यूज करेंगे, सबसे फर्स्ट है कैपेसिटी, कैन हमारा क्या शो करता है, कैपेसिटी और एबिलिटी, एबिलिटी ठीक है। अगर हम कैन का यूज कर रहे हैं मतलब हमारा क्या एटीट्यूड शो हो रहा है, हमारा कैपेसिटी वाला एटीट्यूड शो हो रहा है कि मैं ये चीज कर सकती हूँ भाई, तुमसे अच्छा कर सकती हूँ और कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ और आई एम 100% श्योर। श्योरिटी के साथ हम हमारी स्ट्रेंथ का जिक्र करते हैं तो उसको, उसमें हम कैन का यूज करेंगे जो मैं हमारी कैपेसिटी बताता है, एबिलिटी बताता है। सेकंड हमारा होगा परमिशन, अब ये परमिशन तो मे में भी आया था लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, मैंने दो एग्जांपल दिए थे, टीचर खड़ी है और आपका फ्रेंड खड़ा है, टीचर से तो भाई इज्जत से पूछोगे ना किसी चीज के लिए, तो हम मे का यूज करेंगे। दोस्त खड़ा है, दोस्त को कौन इज्जत देता है मुझे बताओ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देती, इसलिए हम कैन का यूज करेंगे। लाइक नो फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, इनफॉर्मल मैनर में, इनफॉर्मल, फॉर्मल का उल्टा क्या होगा, इनफॉर्मल, फॉर्मल मतलब रिस्पेक्ट, अच्छे से तरीके से, इनफॉर्मल मैनर ऐसे ही भाई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो पूछिए। फॉर एग्जाम्पल कैन यू डांस, क्या तुम डांस कर सकते हो, ठीक है ये हमारा हो गया कैन। देखो इतना इजी इजी है सारे मॉडल्स ना, इनके बारे में सब में ना ये चीजें, कैपेसिटी, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, एडवाइस, यही चीजें आएंगी, इन्हीं के अंडर में हमको मॉडल्स का यूज करना है। ऑलराइट, सो वी आर डन विद कैन, यू नीड टू टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, थैंक यू। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड मॉडल्स पे, वो मॉडल पे, वो है हमारा कुड। कुड क्या है, हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन का पास्ट फॉर्म। इसका फर्स्ट पॉइंट होगा एबिलिटी, एबिलिटी इन पास्ट। कुड क्या शो करता है, मैं एबिलिटी, सॉरी ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, एबिलिटी, एबिलिटी बोलने में, वट एवर, एबिलिटी शो करता है पास्ट की। When I was young, I could run a mile. जब मैं जवान था तो मैं एक माइल तक दौड़ सकता था, तो ये चीज क्या बता रहा है, ये हमारी पास्ट के, जो पास्ट में जो हमारी एबिलिटी थी कि मैं पास्ट में ये चीज कर सकता था, उसके बारे में हमें ये बता रहा है। तो इस तरीके से could shows the ability in the past. Second thing, polite request. अगर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए इन अ पोलाइट मैनर, तो हम कुड का यूज करते हैं। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप विंडो ओपन कर सकते हैं। कुड का अगर हम यूज कर रहे हैं तो इट शोज अ पोलाइटनेस इन द सेंटेंस। अगर कुड की जगह हम कैन का यूज करते हैं तो ना कैन साउंड्स लिटिल बिट रूड,
in comparison to could. That's why we use could. Alright? So you guys just take screenshot and we will move on another model. तो अब हम आते हैं हमारे फोर्थ मॉडल्स पे जो कि है हमारा शुड और मस्ट. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने शुड और मस्ट को साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स शुड और मस्ट का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है चाहिए. दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन दोनों के मूड अलग है. मीनिंग तो सेम है, मूड अलग है. और मूड कैसे अलग है मैं आपको बताती हूँ. शुड है, शुड में फर्स्ट हमारा जो क्या है एडवाइस. हम शुड में क्या करते हैं, हम शुड में एडवाइस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू शुड क्लीन योर रूम. तुम्हें तुम्हारा कमरा साफ करना चाहिए. हम एक एडवाइस दे रहे हैं, साफ सफाई रखो भाई, एडवाइस दे रहे हैं हम. ठीक है, ये हमारा हो गया शुड. और मस्ट में ये चीज क्या होती है, मस्ट में हम क्या थोपते हैं, कोई काम सामने वाले पे थोप रहे हैं. तुझे अपना रूम साफ रखना चाहिए. मैं थोड़ा सा रूड साउंड कर रही हूं ना, दिस इज वॉट मस्ट इज. कंपल्शन, फर्स्ट कंपल्शन. कंपल्शन मतलब कंपल्सरी, जो काम कंपल्सरी है वो कंपल्सरी है, आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक. उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए. उसने गलती करी है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माफी मांगे. ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक. तो ये हमारा क्या कंपल्सरी है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको माफी मांगनी पड़ेगी, कंपल्सरी है भाई. ठीक है, सॉरी. अब हम आते हैं सेकंड पे, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन पे. मैं थोड़ा ना डीप चल जाती हूँ, ठीक है ना, थोड़ा इमोशनल जल्दी हो जाती हूँ. हम आते हैं हम सेकंड पे, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन. स्ट्रांग ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन से क्या समझते हैं हम. एग्जांपल हम देखते हैं, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू मस्ट हिट द लाइक बटन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक बटन हिट कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रांग ऑब्लिगेशन दे रहे हैं. ठीक है, अब हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना. ठीक है, हम अज्यूम करते हैं, पर जो हमारी अजम्पशन होती है वो किसी हद तक सही होती है. ही मस्ट बी देयर, वो वहां होना चाहिए. एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ, 12 बज चुकी है, 12 बजे जैसे मेरा जो पीरियड है तुम्हारी क्लास में 12 बजे का, मैं 12 बजे तुम्हें पढ़ाने आऊंगी. तो दूसरे टीचर्स क्या सोचेंगे कि 12 बज चुके हैं, सो मनीषा मैम मस्ट बी इन 10th क्लास राइट नाउ, मैं 10th क्लास में होनी चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी. एंड वी आर डन विथ शुड एंड मस्ट. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल पे. अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ मॉडल पे जो कि है हमारा विल. विल बहुत इजी है. विल क्या शो करता है, प्रोमिसेस. पहला जो हमारा पॉइंट होगा, सॉरी, वो हमारा होगा प्रोमिसेस. आई विल पिक यू अप एट अराउंड 6. विल की वजह से हम क्या किसी से हम प्रोमिस करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये चीज करूंगी, मैं तुम्हें 6 बजे के आसपास उठाऊंगी. उठाऊंगी मतलब लेके चलूंगी साथ में. आई विल पिक यू अप एट अराउंड 6. तो ये हमारा क्या प्रोमिस हो गया. सेकेंड आता है फ्यूचर एक्शंस. विल जो है, विल शोज दी फ्यूचर एक्शंस. फ्यूचर में जो काम हमारा होने वाला है हम उसमें विल मेंशन करेंगे. ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, वो कल दिल्ली जाएगा. सिंपल है, विल बहुत इजी है. आई विल टीच यू वर्ब्स टुमारो. ऑलराइट, सो वी आर डन विथ विल. You know what you need to do, what you have to do, what you should do. तीन मॉडल्स का यूज कर लिया मैंने एक ही सेंटेंस में. ठीक है, ये चीज होती है. सारे मॉडल्स जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं. बस जब मैं तुम्हें वर्ब्स पढ़ाऊंगी ना, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि मॉडल्स का किसके साथ कैसे यूज लेंगे. अभी मैं थोड़ा इजी वे में मेन चीज समझा रही हूँ कि एक्चुअली में मॉडल्स है क्या और जो मेन मॉडल्स वो एक्चुअली में कैसे हम यूज करते हैं. ठीक है, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ क्योंकि होता ये कि हम ग्रामर में जितना डीप जाते हैं हम उतना कंफ्यूज होता है. मैं जितना डीप जाऊंगी और चीजें बाहर आएगी, और चीजें बाहर आएगी तो बहुत ज्यादा मैस हो जाएगा, और ज्यादा मैस हो गया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ घिसपिच हो जाएगा. तो इसलिए मैं
लाइट लाइट इजी इजी टॉपिक्स उठा रही हूँ, मेन मेन चीजें उठा रही हूँ जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको समझने की जरूरत है। फिर हम जैसे जैसे नए नए टॉपिक्स कवर करेंगे वो चीजें उसमें जुड़ती जाएगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा 6th मॉड्यूल। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं वुड की। वुड क्या है? पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जैसे कैन का क्या था? कुड। वैसे वुड विल का होगा वुड। वुड हमारा होगा पास्ट फॉर्म ऑफ विल। फर्स्ट है पास्ट हैबिट। हम कुड में कैसे पास्ट हैबिट शो करते थे कैन की, यहाँ पे हम विल के पास्ट हैबिट्स शो करेंगे। व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले हाइड एंड सिक। अब इसी को अगर हम विल में लगाते हैं तो आई विल प्ले हाइड एंड सिक, बट आई वुड प्ले हाइड एंड सिक। डिफरेंस देख रहे हो आप लोग? तो यही क्या होगा, वुड का यूज हम इस तरीके से करेंगे। व्हेन आई वाज यंग आई वुड प्ले हाइड एंड सिक। सेकेंड हम आते हैं पोलाइट ऑफर या रिक्वेस्ट। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय का कप लेना चाहेंगे? हम जब पोलाइटली किसी से कुछ पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम वुड का यूज करते हैं। ऑलराइट, वी आर डन विथ वुड। अब हम आते हैं हमारे 5th मॉड्यूल पे जो कि हमारा वुड। वुड एक्चुअली में है क्या? वुड है हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ विल। जैसे कैन जो था हमारा, कैन का पास्ट फॉर्म क्या था? कुड। वैसे विल का हमारा पास्ट फॉर्म होगा वुड। अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे हम पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हम किसी से पोलाइटली अच्छे से तरीके से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम वुड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय का कप लेना चाहोगे? हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपकी इच्छा है, डिजायर है, ठीक है, तो ये वुड शो करता है। सेकेंड, पास्ट हैबिट्स। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले हाइड एंड सिक। व्हेन आई वॉज यंग आई वुड प्ले हाइड एंड सिक। जब मैं छोटा था मैं हाइड एंड सिक खेलता हूंगा। लेकिन हमने क्या देखा था, पास्ट हैबिट शो करता है हमें। अब वुड क्यों लगा रहा है? हम कुड भी लगा सकते हैं, हम यूज्ड टू भी लगा सकते हैं। देखो, कुड को तो तुम भूल जाओ, यूज्ड टू भी हम लगा सकते हैं कि व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले हाइड एंड सिक। बट जो यूज्ड टू है वो क्या शो करता है? स्टेट, वो चीज थी एक्चुअली में। बट वुड अगर हमारा आ गया तो मैं श्योर नहीं हूं, बट शायद मैं खेलती होंगी, कुछ इस तरीके से होता है वुड का यूज। हम यूज टू भी लगा सकते हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू बी अ पेंटर और आई यूज टू बी अ टीचर। मैं टीचर हुआ करती थी, ठीक है ना। मैं आई एम श्योर उस टाइम मेरी स्टेट थी कि मैं टीचर थी। आई वुड बी ए टीचर, मैं टीचर बनूंगी। मैं पास्ट में ये चीज सोचती थी बट मैं बनी नहीं। ये चीज, इतना डिफरेंस है वुड में, मतलब कंफर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पे हम आते हैं अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो उसका ये होता है हवा हवा में बातें करना, जो चीज नहीं हो रही है लेकिन फिर भी हमको बोलनी है। जैसे कुछ लोग ढींगे नहीं हाँकते, सॉर्ट ऑफ दैट। We would go to Japan, but we are too busy. हम जापान जाएंगे लेकिन हम भी बहुत बिजी हैं। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा होता ना कि हाँ भाई मैं तो फेंक रही हूँ, चलो मैं जापान जाऊंगी बट यार हम ना बहुत बिजी है। ये चीज होती है अनरियल सिचुएशन। We would go to Japan, but we are too busy and we are done with will. अब हम आते हैं दूसरे मॉडल्स पे जो कि है नीड नॉट एंड माइट। ये दोनों मैंने साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों बहुत शॉर्ट हैं, इनका कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। इसलिए फर्स्ट है नीड नॉट। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। नॉट मतलब जरूरत नहीं है। तो यूज ऑफ नीड नॉट का मैं बताऊंगी तो क्या होगा, लैक ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो चीज। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब कोई कंपल्शन नहीं, कोई आप पे थोप नहीं रहा है कि आपको ये चीज करनी है,
आप पे डिपेंड करता है, जरूरत है तो करो, नहीं है जरूरत तो नहीं करो. आई नीड नॉट टू बाय टोमेटोज, देर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज. मुझे टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि देर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, फ्रिज में बहुत सारे टमाटर हैं. तो इसमें क्या है, आई नीड नॉट आ गया टू बाय टोमेटोज क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ रही है मुझे. और हम माइट की बात करते हैं तो माइट कुछ भी नहीं है, माइट है पास्ट फॉर्म ऑफ मे. पास्ट फॉर्म ऑफ मे इज माइट, पास्ट फॉर्म ऑफ मे. राइट, अब हम आते हैं हमारे सेवेंथ मॉडल पे जो कि हमारा ऑट टू. सी ऑट टू और शुड बिल्कुल सेम होते हैं हमारे, हम ऑट टू का भी यूज कर सकते हैं, शुड का भी यूज कर सकते हैं. एडवाइस यू, हम इसमें क्या एडवाइस देते हैं, जैसे कि हम शुड में देते थे यू ऑट टू रिवाइज योर लेसन्स, तुम्हें अपने लेसन्स रिवाइज कर लेने चाहिए. 50% ऑब्लिगेशन होता है. आई ऑट टू सी अ डॉक्टर, आई हैव अ टेरिबल हेडेक, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए. 50% ऑब्लिगेशन है, सर दर्द ठीक हो जाता तो मैं क्यों दिखाऊंगी, ऐसे ही होता है ना. तो ये हमारा हो गया ऑट टू. सी कितना इजी था ये. तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, सारे मॉडल्स एक ना एक दूसरे से रिलेट करते हैं, रिपीट होंगे मॉडल्स, मॉडल्स का मीनिंग सेम हो सकता है, लेकिन उनका अच्छे से यूज करना आपको कब समझ में आएगा, जब मैं आपको वर्ब्स पढ़ाऊंगी. जब मैं वर्ब्स पढ़ाऊंगी ना, तब मैं मॉडल्स का यूज भी और अच्छे से समझाऊंगी. अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से, मतलब शॉर्ट में मैं आपको भी बता रही हूँ, इन शॉर्ट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ. जब मैं वर्ब्स पढ़ाऊंगी तो मैं, मतलब होता क्या है कि आप लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे. मैं आपको पढ़ा दूंगी, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो. मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी, आप भी अपने इच्छा से बुक्स की एक्सरसाइज करिए, सेंटेंसेस करिए. इससे क्या होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको धीरे धीरे सबको यूज करना आएगा. ऑलराइट, अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे मॉडल पे, शेल. वी यूज शेल विथ आई और वी फॉर सजेशन, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन. हम शेल का यूज आई और वी के साथ करते हैं. आई वी क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट पर्सन होती है, सॉरी फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, हम उसके साथ शेल का यूज करते हैं. परमिशन के लिए अनुमति, ऑब्लिगेशन कर्तव्य के लिए. बट ये सारी चीजें तो हमारे ज्यादातर मॉडल्स में आई है, तो शेल में क्या डिफरेंस है. शेल में ये डिफरेंस है, परमिशन ऑब्लिगेशन हम फ्यूचर एक्शन के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंटिन्यू शेल वी, क्या हमें करना चाहिए कंटिन्यू, ठीक है, हम क्या हमें करना चाहिए कंटिन्यू, ये हम फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो इन शॉर्ट सिंपल वे में, सिंपल वे में शेल का यूज हम आई और वी के साथ करते हैं, परमिशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए. लेकिन जब परमिशन और ऑब्लिगेशन है वो हम फ्यूचर एक्शन के बेसिस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है. So we are done with models, not completely, we are not completely done with models, but जो important important models से मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और अगर models वगैरह आएंगे तो मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी धीरे धीरे. ये जो main models है इनके बारे में जानना आपको जरूरी था, ठीक है. इनके आप sentences करिए, examples देखिए, इनके आप exercises करिए, that will you know make you understand much better. सो अब इसके बाद मैं वर्ब्स आप लोगों को पढ़ाऊंगी. इससे क्या होगा कि जो मॉडल और वर्ब्स है ना वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं. और मैंने जो टेंस पढ़ाया था तो टेंस में वर्ब्स आती हैं, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स. तो ये सारी चीजें ना ग्रामर एक दूसरे से रिलेट करती है. तो मैं जब आपको वर्ड्स वर्ब्स पढ़ाऊंगी तो आपको मॉडल्स और भी अच्छे से समझ में आएंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम जो मॉडल्स को एग्जैक्टली हम कहाँ यूज करेंगे, किसके साथ यूज करेंगे, ठीक है. अभी तो मैंने शॉर्ट में समझाया, बाकी मैं आपको धीरे धीरे सब समझाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बट मेक श्योर आप लोग इन सबको जो भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ आप लोग उसको कॉपी में लिखते हैं, ताकि इससे क्या होगा आप लिखोगे आपको वो चीज समझ में आएगी खुद से, ठीक है. सो गाइज जस्ट टेक स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक्स. थैंक यू.